आज बीजेपी सरकार का नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, मगर कहीं ना कहीं आज योगी सरकार के कदम डगमगाते नजर आ रहे हैं, जहां महिला सुरक्षित नहीं। इस तरह से महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं, लगातार महिलाओं की वारदातें सामने आ रही है, पीड़ित जो है दर दर भटक रहा है, मगर उसको कहीं ना कहीं इंसाफ नहीं मिल रहा है। और आज हमारे साथ मौजूद हैं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम इनसे बात करें कानून व्यवस्था पर, जो बीजेपी की लगातार कानून व्यवस्था कहीं पर हम बात करेंगे। क्या क्या कुछ आप कहना चाहते हैं ये बीजेपी सरकार में कानून व्यवस्था जो कहीं ना कहीं जो है डगमगाती नजर आ रही है, तो उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, फिलहाल योगी सरकार में उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है वो कानून व्यवस्था बिल्कुल आपके ज्यूरियों पे खड़ी है। आए दिन बेटी बहनों के साथ दुष्कर्म की वारदातें, यदि आंकड़ा लगाया है तो प्रतिदिन जो है कहीं ना कहीं बेटी बहनों के साथ दुष्कर्म की वारदातें घट रही हैं। और कानून ऐसा नहीं है कि कानून नहीं है, चलते यह है कि कानून का अनुपालन कितना हो रहा है। अनुपालन न होने की वजह से और जाति विशेष को बढ़ावा देना, क्या एक ही जाति के साथ देखा गया है कि ये ज्यादातर जो है घटनाएं हो रही हैं? देखिए, यदि इस पर हम बोलें कि एक ही जाति के साथ घटनाएं घटित हो रही हैं, तो ऐसा नहीं है कि एक जाति के साथ ही घटनाएं घटित हो रही हैं, क्योंकि नारी समाज जो है लगभग हर वर्ग में है कहीं ना कहीं। हाँ, यह है कि अनुसूचित जनजाति के लोगों के साथ जो है ये वारदातें बहुत जघन्य वारदात, जैसे हाथरस में हुई, गोंडा में हुई, बलरामपुर में हुई, गोरखपुर में हुई। तो इस मामले में, दुष्कर्म के मामले में, फिलहाल योगी सरकार पूरी तरह से जो है शून्य पर आके खड़ी है। और वो अपराधी जो क्षत्रिय समाज से हैं जिनका नाम आता है, तो उनको सरकार पूरी तरीके से बचाने का कोशिश, अभी देखा गया है लखनऊ के अंदर हजरतगंज में भी जो भाजपा का कार्यालय है वहाँ पर महिलाओं ने आग लगाकर आत्महत्या करना चाही और उसके बाद उनकी मृत्यु भी हो गई। वहाँ विधानसभा पर अपनी फैमिली के साथ, पूरे परिवार के साथ उन्होंने धरना दिया। हाँ, उसकी वजह है कि कानून व्यवस्था पे जो है जब पुलिस प्रशासन को काम नहीं करने दिया जाएगा और नेताओं का दबाव बनाया जाएगा और पीड़ित महिला को न्याय नहीं मिलेगा, थाने से उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी, तो वो जो है इस तरीके की वारदातें, ये तीसरी वारदात हुई है जिसमें, ये पहली एक वारदात हुई थी जिसमें महिला और बच्ची दोनों झुलस करके मर गए थे और विधानसभा की ही घटना है। अब यदि बीजेपी अपने बचाव में कहती है कि ये विपक्षियों की साजिश है, तो विपक्षियों की साजिश है यदि, तो आप बैठे सत्ता में कर क्या रहा है? तो कुल मिलाकर के अपराध जो है सत्ता पक्ष ही करा रहा है और वही उसको बढ़ावा भी दे रहा है। अच्छा, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि जो इनका नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो क्या ये सिर्फ वोट लेने के लिए ही नारा लगाया गया था? देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का इनका नारा क्या है क्या नहीं है, अपना नारा तो बीजेपी खुद समझ सकती है और जनता खुद भी समझ रही है। जब ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय ही नहीं तो बेटी को पढ़ाएंगे कहाँ से? बीजेपी सरकार ये बता सकती है कि 2014 से लेकर अब तक कितने गांवों में या कितने जिलों में विश्वविद्यालय या इंटर कॉलेज या डिग्री कॉलेज उन बेटियों के लिए खुलवाया जहां बेटियां शिक्षित हो सकें? तो ये इस बात का प्रमाण है कि वो केवल जुमला है बीजेपी का, बीजेपी नहीं चाहती है। हाँ, बेटी बचाओ यानी कि बीजेपी के नेताओं से अपनी बेटी को बचाओ और क्षत्रिय समाज से अपनी बेटी को बचाओ, इस नारे का अर्थ ये है जो कि प्रेजेंट टाइम में देखने को मिल रहा है। आप भी अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अगर आप सत्ता में आते हैं तो क्या कुछ करना चाहते हैं समाज के लिए और महिलाओं के लिए? देखिए, यदि हमारी पार्टी सत्ता में आती है, मैं भी 2022 की तैयारी कर रहा हूँ। देखिए, मेरा पेशा वकालत का है, कानून की हर चीज़ से वाकिफ हूँ, कानून पे कानून बने हुए हैं। यदि दुष्कर्म की कोई भी वारदात होती है तो यह तो आने वाला समय बताएगा, पहले सम्मानित जनता मुझको अवसर दे, फिर यह तो वक्त बताएगा कि मैं क्या करता हूँ और किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होता है। पुलिस भी वही होगी, न्यायपालिका भी वही होगी। हाँ, इतना जरूर कहूँगा कि 48 घंटे में यदि इस तरीके की दुष्कर्म की वारदातें हुई तो पीड़ित परिवार के साथ इंसाफ होगा, ना इंसाफ ही नहीं होगी। हमारे साथ रजनीकांत दुबे थे।
तो आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं सवालियों के घेरे में आज बीजेपी सरकार है, जहां पर जो उनका नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, उसी नारे पर वो आज खड़े नहीं उतर रहे, कहीं जो है बिछड़ रही है अपने वादों से और महिलाओं की सुरक्षा ही वो जीरो नजर आ रही है। तो आप आगे के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं बकार हुसैन, पावर ऑफ।